सिर्फ भाई के बनाते हो गाइस। ये देखिए, आपको कैसा फील हो रहा है क्या आप बता सकते हैं? बताइए जरा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हमारा ट्रीटमेंट? हमारा ट्रीटमेंट कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? बिना पैसा के कर देते हैं हम, ओनली 5। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी इस टाइम, सुबह से सुबह उठते ही इतनी ज़्यादा गर्मी आ रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था सच में। और धुंध हो रखी थी गर्मी से, पीछे का देख सकते हो धुंध सी पड़ी हुई थी, इतनी तेज़ गर्मी थी कि धुंध सी पड़ी हुई थी इस टाइम पे। और नीचे थोड़ा सा आई हूँ, बच्चों को स्कूल भेज दिया है और अब जो है मैं यहाँ पर देख सकते हो कल लाइट चली गई थी तो हमने मुझे यहाँ डाल दिया और साइकिल भी यहाँ पर खड़ी कर दिया, क्योंकि पता है क्या, धूप और गर्मी से ना साइकिल दब जा रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे साइकिल को खड़ी कर दिया है इस साइड। और चलते हैं, थोड़ा सा मुझे काम था तो यहाँ पे आगे देख सकते पूरा साफ हो रखा है यहाँ पे। और थोड़ा सा मुझे काम है तो मैं करके आती हूँ अभी। तो अभी यहाँ पे बैठ गई हूँ और जो काम था मुझे मैं करके आ गई हूँ। मुझे ना वाईफाई चेक करना था, पता नहीं क्यों चल नहीं रहा था ढंग से, तो रात को ही मेरा वाईफाई बंद हो चुका था, चल नहीं रहा था, तो अभी चल रहा है, वो अपने आप ही चल पड़ा था। समझ में नहीं आता, कई बार होता ना सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से चलता ही नहीं है। तो चलिए अब घर के काम करूँगी, बहुत सारा काम है और गर्मी से परेशान हो रखे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये समझो दुबई वाली गर्मी इंडिया में भी आ गई है, जैसे लगता है दुबई में बैठे हो। इतनी उमस, इतनी ज़्यादा उमस और अजीब सा हो रखा, मतलब घबराहट सी होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। पंखे और कूलर के बिना तो बैठ ही नहीं सकता बंदा। तो अभी मैंने यहाँ पे पंखा मतलब पंखा वगैरह कुछ नहीं चलाया, ऐसी बैठी हूँ तो आप लोगों से बातें करने लगी। और आप लोग सोचोगे इतने बड़े घर में मैं रहती हूँ, तो मेरा घर ये नहीं है, ये मतलब मालक का है, तो मेरा कमरा ऊपर है, आप लोग देखती हूँ। तो कुछ लोग सोचते कि मैं इसी घर में रहती हूँ मतलब किराए पे, तो नहीं। ये देखिए यहाँ पे ये अलग से सेटअप बना हुआ है गैरेज के ऊपर, आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये गैरेज के ऊपर बना हुआ है, नीचे गैरेज है, ऊपर बनाया गया है ये घर, तो वहाँ पर मैं रहती हूँ। एक रूम है और बस, और कुछ नहीं, बस एक कमरा है, तो मैंने उसमें किचन वगैरह बनाया और बाथरूम वगैरह नीचे आ जाता है, नीचे मतलब वॉश कपड़े वगैरह धुलने के लिए नीचे ही है, कपड़े नीचे धुलती हूँ और जो है बाथरूम वगैरह सारा कुछ नीचे ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैंने आप लोगों को दिखा दिया, देख सकते हो वहाँ पर ऊपर बालकनी है और ये सेटअप अलग है, मतलब है तो जुड़ा हुआ साथ में ही है लेकिन ये अलग आ जाता है। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया अपना कि मैं कहाँ पर रहती हूँ, मतलब कैसे रहती हूँ। ऊपर एक कमरा अलग है और ये अलग पूरा, देखिए ये अलग है पूरा, वो गैरेज के ऊपर बना हुआ है देखिए। और ये है गार्डन, तो मेरे हस्बैंड इसमें काम करते हैं गार्डन में, तो इसलिए हम लोग यहीं पे रहते हैं, गार्डन में काम करते हैं। देख सकते हो कितना बड़ा गार्डन है, और लॉक लगा लेते क्योंकि हमेशा लॉक लगा होता है यहाँ पर, और सेफ्टी भी है, अच्छा भी, बढ़िया भी है। तो चलिए फ्रेंड्स काम करते हैं, और हस्बैंड पार्ट टाइम काम करते हैं, बाकी जॉब कहीं और करते हैं, तो इनका काम ही है। और यहाँ पे अंदर भी गार्डन है का छोटा सा, चलिए चलते हैं, बाद में बात करती हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर नीचे मैं कपड़े भी धोने के लिए डाल दिया था, तो ये चादर है, चादर आज मुझे चेंज करना था तो मैंने चादर चेंज कर दिया था, और उसके बाद सारे कपड़े डाल दिए धुलने के लिए, तो हाथों से भी धुल रही हूँ और जो है वैसे भी धुल रही हूँ, मशीन में भी लगा रखा है, तो ज़्यादा देर में मशीन में घुमाती नहीं हूँ कपड़ों को, थोड़ी देर बाकी हाथों से भी धो लेती हूँ, मतलब धुल जाते हैं। उसके बाद आ गई थी कमरे में साफ़ सफाई का काम करने के लिए, तो देख सकते हो यहाँ पर झाड़ू मेरा लग चुका था और पोछा, बस पूरे घर में पोछा लगा ले, बस पौड़ियों पे रह गया था। तो थोड़ा थोड़ा बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और गर्मी तो आप लोगों को पता ही है आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है,
और हो भी क्यों ना, सारे पेड़ वगैरह पौधे काटे जाते हैं तो गर्मी तो बढ़ना ही है धरती पे। आगे चल के पता नहीं कुछ सालों बाद तो क्या होगा, शायद आगे जलना शुरू हो जाएगा धरती पर, इतनी ज़्यादा गर्मी अभी से होने लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए साफ़ सफाई कर लेते हैं। और आज बेटा स्कूल नहीं गया है, सिर्फ बेटी गई है तो उसके पापा छोड़कर आ गए थे, तो उसकी आज साइकिल भी ख़राब है, मतलब उसकी साइकिल ठीक है और जो लेकिन पता नहीं क्यों लेकर ही नहीं गई, कोई प्रॉब्लम थी शायद इसलिए नहीं लेके गई होगी। अगर साइकिल से जाती तो मुझे नहीं लेने जाना पड़ता, तो फटाफट से घर का काम ख़त्म कर लूँगी उसके बाद, क्योंकि मुझे बेटी को भी लेने जाना है। तो देख सकते हो बेटा भी गया होता तो फिर ना लेने जाना पड़ता मुझे चाहे, तो देख सकते हो उसके बाद सारे घर का काम फिनिश करके ये दोपहर के 1 बजे का टाइम है, 1:15 का टाइम है। मैं निकल चुकी थी स्कूल के लिए, तो यहाँ से करीब आधा घंटा मुझे पैदल लग जाता है जाने में, तो काफ़ी दूर पड़ जाता है। पैदल जाओ तो दूर पड़ ही जाता है और एक्टिवा से जाओ तो ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, पास पड़ जाता है। तो पैदल ही जा रही हूँ मैं क्योंकि एक्टिवा हस्बैंड लेके जाते हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही एक्टिवा है। तो देख सकते हो छाता ले रखी हुई, इतनी तेज़ धूप हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और स्कूल पहुँचने के बाद तो देख सकते हो अभी छुट्टी नहीं हुई है, मुझे पता ही नहीं था कि 2 बजे छुट्टी होगी, तो मैं 1:15 पे ही घर से निकल आई थी। तो ये छोटे बच्चों का स्कूल है और उसके बाद उसके सामने वाला गेट है बड़े बच्चों का स्कूल है, तो देख सकते हो उसके बाद छुट्टी हो गई थी बड़े बच्चों की। छोटे बच्चे की तो छुट्टी होती है लेके चले जाते हैं, लेकिन बड़े बच्चों की तो बाद में छुट्टी होती है। तो ये देखिए सभी बच्चों की छुट्टी हो गई है, तो मेरी बेटी भी आ गई है, तो चलिए लेके चलते हैं उसको। और घर पहुँचने के बाद मैंने बना दी थी लस्सी सबसे पहले, तो बच्चे को दे दिया था लस्सी। और बेटी तो हमेशा मुंह बनाती रहती है पीने खाने में, और देख सकते हो गर्मी इतनी ज़्यादा बच्चों को लेकर आई और आँखों में इतना ज़्यादा पसीना आता है आजकल, पता नहीं क्या आँखें दर्द होने लग जाती है पसीनों से। तो चलिए मैं भी लस्सी पी लेती हूँ। और ये बनाया फिर मैगी मैं लेकर आ गई थी क्योंकि खाना बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था बाहर से आने के बाद, तो मैंने मैगी बना दिया था और बच्चे भी कुछ खा पी नहीं रहे खाना पीना। तो इसके बाद ये है रात का समय, मैं बुटीक से आई थी तो उसके बाद मैंने फिर राजमा चढ़ा दिया था उबलने के लिए, और उसके बाद चाय भी बनी हुई थी तो मैं चाय भी दे दूंगी। देख सकते हो चाय का बर्तन खाली हो चुका है और बच्चे जो है चाय वगैरह पी रहे। तो ये ऑनलाइन सामान मंगाया था, ये और जियो मार्ट से ऑनलाइन मंगाया था रिफाइंड, तो वहीं से आया था, काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई थी। तो ये बाहर ही रखा है, इसको भी रखना है और बस यहाँ पर चढ़ा दूँगी और चल रही हूँ। फिर उसके बाद चाय पी लेंगे सभी, तो और साथ के साथ मैंने कूलर में पानी भरने के लिए भी लगा रखा था। देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों अंधेरे में चाय पी रहे क्योंकि लाइट जो है ना, लाइट से और भी ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए लाइट को मैं बंद ही करके रखती हूँ अधिकतर क्योंकि गर्मी सी लगती है। तो देख सकते हो ये दोनों पीने में लगे चाय और बिस्किट, और जो है मैं भी आके चाय पी लूँगी। थोड़ा सा गर्मी तो है लेकिन थोड़ी बहुत पी लेती हूँ, थकावट दूर हो जाती है चाय से। तो देख सकते हो यहाँ पे फिर लगाया हुआ है पानी कूलर में भरने के लिए क्योंकि गर्मी में तो जरूरत ही है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, गर्मी से बचे रहिए।